हरियाणा की बेटी ने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब। खिताब जीतने वाली मानुषी छिल्लर ने भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत में की है पढ़ाई। जम्मू कश्मीर की सना दुआ रही फर्स्ट रनर अप। बहादुरगढ़ में दो पक्षों में जमकर चली गोलियां, दो की मौत। छठी के कार्यक्रम में मामूली कहासुनी पर हुई वारदात, एक गंभीर रूप से घायल। छठी के कार्यक्रम में मामूली कहासुनी पर हुआ दो पक्षों में खूनी संघर्ष, वारदात में एक गंभीर रूप से घायल। घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। ट्रेन में हुई अल्पसंख्यक की हत्या की वारदात पर विरोध। ईद पर हाथों पर काली पट्टी बांध कर मनाएं ईद। मृतक के परिवार को मिली आर्थिक सहायता से संतुष्ट नहीं है लोग। मेवात में भी ईद की नमाज के मौके पर लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांध कर अपना विरोध जताया। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ होने वाली घटनाओं से लोग नाराज हैं। कुरुक्षेत्र के अमीन पावर हाउस पर घंटों बिजली गुल रहने से गुस्साए सैकड़ों लोगों ने घंटों तक जमकर बवाल काटा। गुस्साए लोगों ने पहले पावर हाउस पर ताला जड़ दिया और बिजली कर्मियों को बंधक बना लिया, तो वहीं एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में पावर हाउस में आग लगाने और लोगों के झुलसने की झूठी सूचना दे डाली। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई है। रविवार देर रात लाइट जाने से अस्पताल में अंधेरा था। बताया जा रहा है कि मरीज अंधेरा होने की वजह से चौथी मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने जीएसटी को व्यापारी और आमजन विरोधी बताते हुए इसके विरोध में प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन बंद रखने का ऐलान किया है। जीएसटी को लेकर व्यापारियों का गुस्सा व आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रदेश भर के व्यापारियों ने हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले अनिश्चितकालीन बंद करने की चेतावनी दी है। भिवानी में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में पूर्व पत्रकारों से बात करते हुए व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि सरकार जो जीएसटी टैक्स प्रणाली लागू करने जा रही है उसमें अनेक खामियां हैं। फतेहाबाद में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला युवक आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पिछले दिनों आधा दर्जन वारदातों को अंजाम देने वाला यह आरोपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। फतेहाबाद की चारमल्ला कॉलोनी में रहने वाले युवक ने आज प्रातः फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला था और यहां घर में एक नौकरी कर रहा था। नूह जिले के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने मिलकर मनोता गांव के गरीब व्यक्ति की आईडी का गलत इस्तेमाल कर एमएलआई ग्रुप के नाम से लाखों रुपए के लेनदेन करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुलासा जब हुआ जब बहादुरगढ़ पुलिस गरीब व्यक्ति को पकड़ने मनोता गांव पहुंच गई। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मेवात पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जीन पर बाईपास के पास एक सफारी गाड़ी में अवैध तरीके से सप्लाई के लिए ले जाई जा रही 20 पेटी शराब के साथ गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया है। सीआईए स्टाफ पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मनोज उर्फ बुखारा पुत्र सूबे सिंह निवासी पोखथला को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दयालपुर में गैस सिलेंडर लीकेज में मृतक बच्चों के परिजनों को सांत्वना देने आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने बीजेपी सरकार और सीएम मनोहर लाल को कोसा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आपातकाल को स्वतंत्र भारत का सबसे काला अध्याय बताया है। उन्होंने कहा कि लिखने बोलने और सुनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फतेहाबाद जिले में एक ऐसा गांव है जिसमें वार्ड नंबर 4 के लोगों में ऐसा खौफ छाया हुआ है कि इस वार्ड से कोई भी शख्स चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये खौफ इंसान का नहीं बल्कि मौत का है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डालने का काम किया है। सैनी ने कहा है कि धारा 370 जैसे मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में कोई फर्क नहीं है।